हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद हर्षित। BCA एग्जामिनेशन पेपर दिसंबर 2023। सब्जेक्ट हमारा प्रोग्रामिंग प्रिंसिपल्स एंड एल्गोरिथम। सब्जेक्ट कोड BCA 102। फ्रेंड्स, और सभी सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर के एग्जामिनेशन पेपर हम एनालाइज कर चुके हैं। अगर आपको देखने हैं तो आप हमारी यूट्यूब चैनल स्टडी विद हर्षित पर जाकर देख सकते हैं और फेसबुक पर भी आप देख सकते हैं। सबसे पहले है सेक्शन ए। सेक्शन ए में जो है वेरी शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसमें जो है हमें सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने कंपलसरी होते हैं और इसमें 5 क्वेश्चंस होते हैं। हर एक क्वेश्चन जो है 3 मार्क्स का होता है और ये 15 नंबर का सेक्शन होता है। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज कंपाइलर? कंपाइलर क्या होता है ये हमें बताना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज एक्चुअल पैरामीटर? एक्चुअल पैरामीटर क्या होता है, इससे क्या समझते हैं आप, ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट डिफाइन रिकर्जन? रिकर्जन से क्या समझते हैं, रिकर्जन क्या होता है, इसकी डेफिनेशन हमें बतानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन एनी 2 प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक। इसमें जो है 2 प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक जो है एक्सप्लेन करनी है। आफ्टर दैट हमारा है क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डू यू मीन बाय प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप? प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप क्या होते हैं ये हमें बताना है इन दोनों के बारे में। तो ये था सेक्शन ए, 15 मार्क्स का, 3 मार्क्स का हर एक क्वेश्चन था। अब सेक्शन बी पे आते हैं। सेक्शन बी जो है इसमें जो है 15 नंबर का होता है ये भी, पर इसमें जो है 2 क्वेश्चन करने होते हैं, 3 दिए गए होते हैं और 7.5 नंबर का एक आंसर होता है। नंबर 1 है इसमें, व्हाट इज लूप? लूप क्या होता है? हाउ कैन डू व्हाइल लूप वेरी फ्रॉम व्हाइल लूप? डू व्हाइल लूप जो है किस तरीके से ये जो है डिफरेंट है व्हाइल लूप से, ये आपको एक्सप्लेन करना है और साथ ही साथ लूप की जो है आपको डेफिनेशन बतानी है। नेक्स्ट है, एक्सप्लेन इफ एल्स विद एग्जांपल। इफ एल्स जो स्टेटमेंट है ये आपको एक्सप्लेन करना है एग्जांपल के साथ में। थर्ड क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, डिफरेंशिएट बिटवीन कॉल बाई वैल्यू एंड कॉल बाई रेफरेंस विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। कॉल बाई वैल्यू क्या होती है और कॉल बाई रेफरेंस क्या होता है ये आपको बताना है। इन तीनों में से आपको 2 क्वेश्चन करने हैं, जो आपको ज़्यादा अच्छे से आते हैं वही अटेम्प्ट करें। ये लास्ट ईयर में पूछा गए हैं, 2023 का एग्जामिनेशन पेपर है। अब आता है सेक्शन सी। ये जो है इसमें 3 आंसर करने होते हैं हमें क्वेश्चन। 15 नंबर का एक होता है, 45 नंबर का ये सेक्शन होता है। नंबर 1 क्वेश्चन है, डिस्टिंग्विश बिटवीन ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट। ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट के बारे में आपको बताना है, डिफरेंस बताना है दोनों के। सेकंड क्वेश्चन है, एक्सप्लेन स्टैटिक एंड रजिस्टर्ड स्टोरेज क्लास। स्टैटिक और रजिस्टर स्टोरेज क्लास के बारे में आपको एक्सप्लेन करना है और एडवांटेजेस ऑफ सी लैंग्वेज क्या हैं ये आपको बताने हैं, क्या क्या एडवांटेजेस हैं। फ्रेंड्स, ये सभी क्वेश्चन के आंसर जो है हम अपने चैनल पर शेयर कर देंगे आपके साथ, और अगर आपको और कोई भी टॉपिक समझना हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। थर्ड क्वेश्चन है, राइट ए सी प्रोग्राम टू चेक वेदर द गिवन नंबर इज प्राइम और नॉट। आपको एक सी प्रोग्राम लिखना है जो कि चेक करे कि वही नंबर प्राइम है या नहीं। नेक्स्ट है, राइट ए सी प्रोग्राम टू कैलकुलेट फिबोनाची सीरीज। क्वेश्चन नंबर 4 इसमें पूछा गया है, डिफरेंशिएट बिटवीन फ्लो चार्ट एंड एल्गोरिथम। फ्लो चार्ट और एल्गोरिथम में क्या डिफरेंस है? राइट एन एल्गोरिथम टू कंप्यूट द सम ऑफ डिजिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 5th है हमारा, राइट द एसिम्प्टोटिक नोटेशन यूज्ड फॉर बेस्ट केस एवरेज केस एंड वर्स्ट केस एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम। तो आई होप फ्रेंड्स, आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। इसमें हमने जो है डिटेल में देखा है कि क्या क्या क्वेश्चन हमसे पूछे गए थे लास्ट ईयर में, इन्हीं को ध्यान में रखते हुए हम अपने एग्जाम की तैयारी करेंगे। इसी तरह की और वीडियोस के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद हर्षित सब्सक्राइब करें और आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।